नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाड़ी की रसोई में। आज दोस्तों हम बनाने वाले हैं ककोड़े की सब्जी। ये ककोड़ा दोस्तों, इसको आप जंगली करेला भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको जंगली करेला बोला भी जाता है। ये ककोड़े हैं, इनकी हम सब्जी बनाएंगे। ये दोस्तों सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये आपको वेट को कम करना है, तो आप इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये न्यूट्रिशंस का खजाना है, तो आप इसको अपने डाइट में शामिल करिए। ये बहुत अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए। और इसके साथ हम यूज करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज इसलिए क्योंकि ये जो ककोड़े होते हैं, ये थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा कड़वे होते हैं, करेले से बहुत कम कड़वे होते हैं, थोड़ा सा होते हैं, तो हम इसका यूज करेंगे तो इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्याज को काट लेते हैं। प्याज को दोस्तों ऐसे ही कट करना है, ये लंबी लंबी से ही कटेंगी। आइए हम ककोड़ों को कट कर देते हैं। ये 2 मिर्ची है, इनको भी कट कर लेते हैं। कुछ लहसुन की कलियां हैं, इनको भी। हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल दोस्तों जैसे ही गर्म हो जाए, हमको इसमें डाल देना है जीरा। जीरे के चटकते ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई अपनी लहसुन को। लहसुन हो गया है, अब हम इसमें अपनी मिर्चों को डाल देंगे। जैसे ही मिर्चें पक जाएंगी, हम इसमें ऐड कर देंगे अपना प्याज। प्याज को दोस्तों हमको थोड़ा सा भूनना है। प्याज हमारी हल्की सी भून चुकी है, अब हम इसी समय इसमें डाल देंगे नमक। इसी समय नमक डालने से क्या होगा दोस्तों कि हमारी प्याज जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने ककोड़े को। ककोड़े को डाल के दोस्तों हमको थोड़ी देर इसको चलाते हुए भूनना है, तो चलिए भूनते हैं इसको। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसके लिड को लगा देंगे और छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं। ककोड़े हमारे पक रहे हैं, चलिए फिर से इसमें लगा देते हैं लिड को और 5 मिनट का इंतज़ार करते हैं। 5 मिनट बाद फिर से हम खोल के चेक कर लेंगे। ककोड़े हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं। इसी समय हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही लाल मिर्ची पाउडर, और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे, और ये थोड़ा सा दोस्तों किचन किंग मसाला है, इसको भी हम ऐड करेंगे। किचन किंग मसाला हो, मैगी मसाला, मैगी मसाला भी आप ऐड करिए, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा चाहे किचन किंग हो चाहे मैगी मसाला हो। चलिए इनको अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ी देर इनको भूनने के बाद हम इसमें लगा देंगे लिड को और वेट करेंगे 5 मिनट का। 5 मिनट हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। ककोड़े की सब्जी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब हम इसी समय इसमें टमाटर डालेंगे।
टमाटरों को दोस्तों साइड से ही रख दीजिए, कभी इसको इसमें मिलाना नहीं है। बस ऐसे ही साइड में रखने के बाद हम लिड को लगा के छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। लिड लगा के छोड़ देते हैं, 3 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम टमाटर को सब्जी में अच्छे से मिला देते हैं। इसको अच्छे से दोस्तों चला के मिला दीजिए इसमें, और फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। हरी धनिया पत्ती आपके पास हो तो उसको डाल के इसको मिला दीजिए, और उसके बाद फिर से हम लिड लगाएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। तीन से चार मिनट दोस्तों हो चुका है, चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी ककोड़े की सब्जी जो है वो अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। दोस्तों आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी सर्व करिए, सबको ये बहुत अच्छी लगेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।